hello friends very warm welcome to lk academy i hope every one of you is safe and doing well at your home so again welcoming you to current affairs lectures and uh, today we will discuss the uh, remaining topics uh, from your february current affairs uh, i hope that you have gone through all the previous lectures तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू अ कंट्री विच इज़ शिफ्टिंग इट्स कैपिटल ड्यू टू मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग और वो कंट्री है इंडोनेशिया इंडोनेशिया की करंट जो कैपिटल है दैट इज़ जकार्ता सो इंडोनेशिया काफ़ी सालों से ये प्लान कर रहा था एंड रिसेंटली इंडोनेशिया हैज़ डिसाइडेड फॉर्मली टू शिफ्ट इट्स कैपिटल सो रिसेंटली इंडोनेशिया पार्लियामेंट हैज़ बिन has passed a law approving the relocation of its capital from slowly sinking Jakarta to a site 2000 kilometers away on jungle-clad Borneo island that will be named as Nusantara ओके सो नुसान तारा नाम की एक नई कैपिटल रीबिल्ड वहाँ पर की जाएगी द मूव वॉज फर्स्ट टिप्ड बाई द प्रेसिडेंट जोको विडोडो इन अप्रैल ट्वेंटी नाइनटीन साइटिंग राइजिंग सी लेवल्स एंड सीवियर कंजेशन ऑन डेंसली पॉपुलेटेड जावा आइलैंड तो बेसिकली अभी जो जाकार्ता है वो जावा आइलैंड पे है और क्योंकि इंडोनेशिया इज द फॉर्मेशन वो इस तरह से फॉर्म हुआ है कि छोटे -छोगा, छोटे 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 आइलैंड मिलकर एक बड़ा कंट्री बना है और ग्लोबल वार्मिंग की जो असर है वो आने वाले सालों में जाकार्दा को सीवियरली हैम्पर करेगी तो उससे बचने के लिए ये प्रोएक्टिव क़दम उठाया गया है और वहाँ की जो कैपिटल है उसको मूव किया जाने का जो डिसीजन है उसको पार्लियामेंट में पास किया गया है सो द मूव वाज फर्स्ट टिप्ड बाय प्रेसिडेंट जोको विडोडो इन अप्रैल 2019 साइटिंग राइजिंग सी लेवल्स एंड सीवियर कंजेशन ऑन डेंसली पॉपुलेटेड जावा आईलैंड जाकार्ता लाइज ऑन दी नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा दार्जेस्ट आईलैंड इन इंडोनेशिया आर सुमात्रा जावा काली मंथन सुलावेसी एंड द इंडोनेशियन पार्ट ऑफ न्यू जीनीवा तो बेसिकली जो बड़े बड़े आईलैंड है वो सारे ही पॉपुलर है इंडोनेशिया ऑलरेडी हम आगे भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं रिंग ऑफ फायर पर बसा हुआ है तो वहाँ पे एक्टिव वॉल्किनों के जो नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है तो दिस इज़ बेसिकली साइट ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया रिसेंटली था जो यहाँ पर है यहाँ से हटकर उसको यहाँ पर ले जाया जाएगा रीज़न्स फॉर रिलोकेशन क्या है तो जो मोस्ट uh, uh, बड़ा जो मेजर रीज़न है दैट इज़ global warming so jakarta has long been plagued by serious infrastructure problems and flooding uh, exacerbated by climate change with experts predicting up to third of the city could be underwater by 2050 jakarta is home to more than 30 million people in its greater metro area मोर ओवर जाकार्ता इज़ देंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेस फिनांस एंड ट्रेड इट हैज़ इनएविटेबलीड टू रिलेंटलेस कंस्ट्रक्शन इन द सिटी ड्यू टू विच द वॉटर इज नॉट एबल टू सिप इन टू द ग्राउंड इन मैनी एरियाज लीडिंग टू इंक्रीज रन ऑफ तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारे जो सी के नज़दीक के जो सिटीज़ है उनकी ये प्रॉब्लम है जाकार्ता उसको सॉल्व करने में Uh, उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड देट्स वाई दे हैव मूवड दैट्स वाई दे हैव डिसाइडेड टू डिस इंडोनेशियाज कैपिटल सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन नाइनटीन फोर्टी नाइन दिटी हैज बिकम ओवर एंड एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड फॉर द लास्ट फ्यू डिकेट्स Another important reason to shift the capital from Java Island to Borneo Island has been the growing inequality, financial and otherwise. Java Island, especially Jakarta, which is spread across more than six six one point five square kilometers, is immensely populated. Where East Kalimantan, spread across one twenty seven point three forty six point ninety two square kilometer, is bigger than Jakarta. It is a lot less populated than the करंट कैपिटल तो जो पॉपुलेशन है उनको बेसिकली अब डिवाइड किया जाएगा ताकि इवनली जो नया सिटी बनेगा विच इज़ मोर इंफ्रास्ट्रक्चरली वो साउंड होगा और वो प्लैंड सिटीज अब इंडोनेशिया बनाने की कोशिश कर रहा है रिलोकेशन साइट जो है द न्यू कैपिटल नुसांतारा विल कवर अबाउट फिफ्टी सिक्स Point 0.180 hectares in east kalimantan province on the indonesian part of borneo which the country shares with malaysia and brunei however environmentalist uh, critics of the capital move have warned it could damage ecosystem in the region where mining and palm oil plantations already threaten rainforest that are home to borneo's endangered species so, इकोनॉमिस्ट का और एनवायरमेंटलिस्ट के अपने अपने व्यूज़ हैं इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर लार्जली कम कंट्री की इकोनॉमी को बचाना है और आपको अगर अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है देन यू शुड मूव योर कैपिटल एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि ये मूव नए एरिया को भी पूरी तरह से डैमेज करेगा इंडोनेशिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू रिलोकेट फ्रॉम एन ओवर पॉपुलेटेड कैपिटल मलेशिया ऑल्सो मूवड इट्स गवर्नमेंट टू पुतराजिया फ्राम कोलामपुर इन टू थाउजेंड एंड थ्री वाइल म्यांमार मूवड इट्स कैपिटल टू नेपिडियो फ्राम रंगून इन टू थाउजेंड एंड सिक्स तो जो भी आसियान के जो बेसिकली जो कंट्रीज़ है आईलैंड वाले कंट्रीज है और वहाँ पे ये कॉमन प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी म्यांमार और मलेशिया अपना जो कैपिटल है वो मूव कर चुके हैं सो so, ये जो पहला टॉपिक था इजी था हमारे लिए आपको जस्ट कैपिटल का नाम और उसका जो रीज़न है दैट वाई द कैपिटल इज बिंग शिफ्टेड वो आपको इस टॉपिक से याद रखना है सी लेवल राइज का जो टॉपिक है वो आपको प्रिलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से जानने की ज़रूरत है सी लेवल राइज क्या है सो एस एल आर इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वर्ल्ड ओशंस ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज

About half of the sea level rise over the past 25 years is attributed to warmer oceans simply occupying more space. Next factor is melting glaciers. Melting glaciers ho ra hai? because overall uh, globe ka temperature rise. Ho ra hai. So higher temperatures caused by global warming have led to greater than average summer melting of large ice forma formations like mountain glaciers, as well as diminished snowfall due to later winters and earlier springs that creates an imbalance between runoff and ocean evaporation causing sea levels to rise loss of greenland and antarctic ice sheets as with mountain glaciers increased heat is causing the massive ice sheet that cover greenland and antarctica to melt more quickly and also move more quickly into the sea रेट ऑफ एस एल आर क्या है सो सी लेवल इज प्राइमरीली मेजर्ड यूजिंग टाइड स्टेश्स लेजर ऑल्टीमीटर्स अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल थाउजेंड एंड ईयर सो यू वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग द चेंजेस इन द्लाइमेट जो मौसम जो है वो किस तरह से बदल रहा है उसका जो टाइमिंग है वो किस तरह से बदल रहा है वी ऑल विटनेसिंग इट और उसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ द्लोबल वॉर्मिंग ग्लोब जो है वो इन एवरेज गर्म होता जा रहा है मैनी कंट्रीज है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज फॉर दिस और ग्लोबल लेवल पे इसके लिए साथ आना पड़ेगा उसके लिए वी हैव पेरिस अग्रीमेंट एंड सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स जैसे जो समिट होते हैं वो उसके इंडिया ऑलरेडी उसका पार्ट बन चुका है एस एल आर के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे सो कोस्टल फ्लडिंग जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाएगा सो ग्लोबली एट ऑफ वर्ल्ड्स टेन लार्जेस्ट सिटीज़ आर नियर टू अ कोस्ट विच इज़ थ्रेटनड बाई ग्लोबल कोस्टल फ्लडिंग ओके जैसे मुंबई हो गया चेन्नई हो गया ये सारे जो सिटीज़ है वो इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो ये सारे सिटीज़ कोस्ट के नज़दीक है फ्लडिंग की जो सिचुएशन है जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी सो सी लेवल राइजिंग कैन कॉज डिस्ट्रक्टिव इरोजन वेटलैंड फ्लडिंग एक्विफायर एंड एग्रीकल्चरल सॉइल कंटेमिनेशन विथ सॉल्ट एंड लॉस्ट हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी तो एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो भी हमें वो नुकसान कर रहा है डेंजरसट्रोम सर्जिस हायर सी लेवल आर कॉन्साइडिंग विथ मोर डेंजरस हरिकेन्स एंड टाइफून्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंडिया में इस बार हमने विटनेस किया है कि बहुत सारे एक ही एक या डेढ़ साल के इस में ईस्ट एंड वेस्ट दोनों स्टेट्स ने साइक्लॉन्स को फेस किया है Lateral and inland migration. Flooding in low-lying coastal areas is forcing people to migrate to the higher ground, causing displacement and dispossession, and in turn a refuge crisis worldwide. Impact on infrastructure Kyahoga. So the prospect of higher coastal water levels threatens basic services such as internal access, threat to inland life, rising seas can

बट उसमें बहुत कुछ ज़्यादा हम नहीं कर सकते वाई बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट है जिस जिसको करना चाहिए और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल लेवल पे जो कॉपरेशन होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिख रहा है इंडिया का केस क्या है तो इंडिया इज़ मोर वलनरेबल टू सच चेंजेस वाई बिकॉज हम कोस्टल रीजियन को ज़्यादा कवर कर दे वी आर वी आर हैविंग मोर देन सेवन थाउजेंड किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल लाइन सो इंडिया इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इंक्लूड्स फाइव थाउजेंड फोर ट्वेंटी टू किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन ऑन द मेन लैंड एंड टू थाउजेंड नाइन्टी फोर किलोमीटर्स ऑन दी आईलैंड बिलोंगिंग टू नाइन स्टेट एंड फोर यूनियन टेरिटोरीज दी कोस्ट लाइन अकाउंट फॉर नाइन्टी परसेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेड एंड इट्स पांस थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी वन कोस्टल विजेस एंड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी टू आईलैंड तो देखिए कितना बड़ा इकनॉमिक इम्पैक्ट इसका हो सकता है अगर हमने सही टाइम पर सही कदम नहीं उठाए तो रिलेटिव इनिशिएटिव्स क्या है सो दैट इज़ कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे मल्टीपल सेंट्रल इनिशिएटिव उठाए गए हैं पिछले काफ़ी सालों में और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो कोस्टल एरियाज़ में जो रेगुलेशन है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रही है और ओवरऑल जो हमारे एनवायरनमेंट को लेकर जो पॉलिसीज़ है वी आर फोकसिंग ऑन देम सो दैट वी कैन मिटिगेट द रिस्क वॉट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी एस एल आर एंड वाई द ग्लोबल वॉर्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल्स आर अलार्मिंग फॉर अस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी और वो है स्टेट हुड डे ऑफ मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा सो ऑन द स्टेट हुड डे ऑफ मनीपुर मेघालय एंड त्रिपुरा विच इज़ ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी प्राइम मिनिस्टर एंड अदर लीडर्स प्रेज द ट्रेडिशन्स एंड कल्चर ऑफ द थ्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओके दो तीनों को एक ही दिन स्टेट हुड दिया गया था ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी मणिपुर मेघालया एंड त्रिपुरा ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन सेवेंटी टू ऑल द थ्री स्टेट्स विकम फुल फ्लेजड स्टेट्स अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन तो पहले कुछ लोग आसाम के साथ जुड़े हुए थे कुछ स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया एंड आफ्टर उनको फुल फ्लेजड स्टेट के तौर पर रिकोगनीशन दिया गया मर्जर ऑफ मनीपुर विथ इंडिया सो कैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स किन किन शर्तों के साथ इंडियन um, यूनियन में जुड़े थे उसका हमें बैकग्राउंड जानना है सो बिफोर फिफ्टी ऑफ अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन पीसफुल नेगोसिएशन हैलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुजेटरीज वर्किन्यूस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इंड टू द इंडियन यूनियन तो हमने सक्सेसफुली सबको कन्विंस कर लिया था दैट यू शुड जॉइन इंडियन यूनियन द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ट दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया तो जो उस टाइम की जो अथॉरिटी थी उनकी जो रूलर्स थे उन्होंने अग्री किया दे हैव साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सेशन दैट वी आर फॉर्मली अग्रींग टू जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मनीपुर वुड बी मेंटेन्ड ओके और इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आज भी फॉलो करता है एंड देट्स वाई इन स्केड्यूल सिक्स वी हैव गिवन सम एक्स्ट्रा पावर सो टू दीज स्टेट्स टू दी ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सो अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस दी महाराजा ऑफ मनीपुर बोधचंद्रा Singh signed an instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. Under the pressure of public opinion, the Maharaja held election in Manipur in June 1948 and the state became a constitutional monarchy. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. So, even if मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ़ यूनियन ऑफ इंडिया वहाँ के पब्लिक प्रेशर की वजह से महाराजा को वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़े थे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पर कुछ टाइम के लिए उसने काम किया इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ मणिपुर देर आर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मनीपुर विद इंडिया दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड इन प्रेशरिंग द महाराजा इन टू साइनिंग अ मर्जर अग्रीमेंट इन सप्टेम्बर फोर्टी नाइन नाइनटीन फोर्टी नाइन विदाउट कंसल्टिंग दॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्टिव असेंबली ऑफ मनीपुर तो लेजिस्टिव असेंबली ऑफ मनीपुर के जो मेजोरिटी थी वो नहीं चाहते थे कि मनीपुर स्टेट शुड जॉइन इंडियन यूनियन बट महाराजा ने इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर में अगर क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अटैक अगर हम नहीं मानते मणिपुर तो हम किसी ना किसी तरह मिलिट्री प्रेशर बना के उनको ले ही लेते अपने में तो ये प्रेशर बनाकर मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज किया गया त्रिपुरा का मर्जर कैसे हुआ सो so, त्रिपुरा वॉज अ प्रिंसली स्टेट टिल द मर्जर विद द इंडियन यूनियन ऑन द फिफ्टीन नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन तो देखिए हमारे इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट दो साल बाद त्रिपुरा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियली द लास्ट किंग हु बिक्रम वॉज ऑन द थ्रोन इमीडिएटली बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस डाइड ऑन सेवेंटींथ मे नाइनटीन फोर्टी सेवन आफ्टर हिज डिमाइज हिज माइनर सन किरी बिक्रम मानिकिया टूक द थ्रोन ऑफ त्रिपुरा किंगडम बट ही कुड नॉट रूल एज ही वॉज माइनर क्योंकि वो माइनर थे वो रूल नहीं कर सकते थे सो हिज विडो क्वीन कंचन प्रभा टुक द चार्ज ऑफ रीजेंसी ऑफ त्रिपुरा एंड टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मर्जर ऑफ द त्रिपुरा किंगडम इन द इंडियन यूनियन तो उन्होंने भी अपनी मर्जी से त्रिपुरा को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज करवाया मेघालय का मर्जर कैसे हुआ सो so इन 1947 फोर्टी सेवन द रूलर्स ऑफ द गारो एंड खासी रीजियन एसेडेड

ऑटोनोमस पावर्स दिए गए और देन आफ्टर इन 1971 सेवेंटी फुल द हुड वॉज गिवन टू ऑल द स्टेट सेवेंटी टू अ पोलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडरवेंट अ मेजर चेंज द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेट हुड और वो हम मनाते हैं ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी को नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड अगेन टू अवर वाइल्ड लाइफ और वो है टाइगर कन्ज़र्वेशन के बारे में पिछली बार हमने आई एस एफ आर रिपोर्ट के बारे में बात की थी री इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास के बारे में बात की थी तो ये उसी का सब टॉपिक आप कंसिडर कर सकते हो सो टॉपिक इज़ फोर्थ एशिया मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कन्जरवेशन सो रिसेंटली द्थ एशिया मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कॉन्ज़रवेशन वॉज हेल्ड इंडियाज नैशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस गाइडलाइंस फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर दैट कैन बी यूज बाई अदर टाइगर रेंज सेंचुरीज ओके तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है दैट इंडियाज़ नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी विच इज़ पॉपुलरली नोन एज एन टी सी ए जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए सुप्रीम अथॉरिटी है सो एन टी सी एज ऑल्सो डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस गाइडलाइंस फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स दैट कैन बी यूज बाई अदर टाइगर रेंज कंट्रीज तो जैसे चीता का री इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं वैसे इंडियन गवर्नमेंट और एन टी सी एज नाव अप फॉर दी टू क्रिएट अ गाइडलाइंस ताकि टाइगर का रीइंट्रोडक्शन किया जा सके द कॉन्फ्रेंस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स दी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम एंड कमिटमेंट्स टू टाइगर कॉन्जरवेशन इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फॉरम जी टी एफ तो इस बार का जो होस्ट था वो था मलेशिया इंडिया विल फेसिलिटेट टाइगर रेंज कंट्रीज टूवर्ड्स फाइनलाइजेशन ऑफ न्यू डेली डिक्लेशन फॉर द ग्लोबल टाइगर समिट टू बी हेल्ड इन रशिया लेटर दिस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में अ प्री टाइगर समिट मीटिंग वॉज हेल्डेड न्यू डेली इन टू थाउजेंड एंड टेन वेयर इन द ड्राफ्ट डिकलेन ऑन द टाइगर कंजर्वेशन फॉर ग्लोबल टाइगर समिट वॉज फाइनलाइज्ड तो इंडिया उसी को अब uh, फाइनल उसको uh, जो चेंजेस है वो करके उसको सबमिट करेगा ताकि इस बार की जो टाइगर समिट है रशिया में उसमें उसको प्रेजेंट कर पाए विच दैट इज़ न्यू डेली डिक्लेरेशन इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज जो कि उसको नाम दिया गया है ग्लोबल टाइगर फोरम ओवर द ईयर जी टी एफ हेज़ एक्सपांडेड इट्स प्रोग्राम ऑन मल्टीपल थीमेटिक एरियाज वाइल वर्किंग क्लोजली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइगर स्टेट्स इन इंडिया एंड टाइगर रेंज कंट्रीज टाइगर रेंज कंट्रीज़ कौन से कौन से हैं वो है बांग्लादेश इंडिया कम्बोडिया नेपाल म्यांमार एंड वियतनाम तो इन सारे कंट्रीज़ में आपको टाइगर की ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है सिग्निफिकेंस क्या है टाइगर कंजर्वेशन का तो आप जो, आपका जो फूड चेन है टाइगर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट फूड चेन वाइटल इन रेगुलेटिंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस सो टाइगर द टॉप प्रेडेटर्स इन द इकोसिस्टम वो सबसे ऊपर वाला शिकारी है टॉप में जो रहता है टाइगर द टॉप प्रेडेटर्स इन द इको सिस्टम आर वाइटल इन रेगुलेटिंग एंड परपैचुएटिंग इकोलॉजिकल प्रोसेस ओके लेट अस अज्यूम दैट अगर टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है या टाइगर अगर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो जो फूड पिरामिड जो हमने पढ़ा है बचपन में उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा जो मिडल रेंज के जो प्रेडेटर्स हैं उनका नंबर्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्यों क्योंकि उनका शिकार करने के लिए जो बिग कैट्स है वो बचेंगे ही नहीं सो टाइगर्स द टॉप प्रेडेटर्स इन द इकोसिस्टम आर वाइटल इन रेगुलेटिंग एंड परपेचुएटिंग इकोलॉजिकल प्रोसेसिस

दस टाइगर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन प्रे हर्बीवोरस एंड द वेजिटेशन अपॉन विच दे फीड टाइगर के कंजर्वेशन का स्टेटस इंडिया में क्या है सो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल वन में टाइगर को रखा गया है इट इज़ अवर नेशनल एनिमल एज वेल तो स्केड्यूल वन में जिन जिन स्पीशीज़ को रखा गया है उसका मतलब ये है कि उसका जो शिकार है वो अवैध है उस शिकार करने पर पोचिंग uh, करने पर आपको जेल की सजा तक की जा सकती है देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई के रेड लिस्ट में उसको रखा गया है इट मीन्स दैट इट इज़ इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड लिस्ट साइट्स के लिस्ट में उसको अपेंडिक्स वन में रखा गया है दैट इज़ कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा साइट्स के उसको अपेंडिक्स वन में रखा गया है तो जब भी हम कोई स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं आपको हमेशा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई और साइट्स इन तीनों के स्टेटस के बारे में उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को आपको रख के याद रखना है टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया क्या है तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर बहुत अच्छा ग्रोथ किया है समय से पहले 2022 ट्वेंटी टू विच इज़ द एम्बिशन और गोल जो था टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने का उससे पहले इन 2019 नाइनटीन 2018-2019 we have achieved the goal. India is home to over 70% of the tiger population globally. देखिए दुनिया के 70 प्रतिशत जो tiger है वो India में reside करते हैं इंडिया इज़ होम टू 53 टाइगर रिजर्व्स पहले पचास थे अभी हाल ही के एक दो सालों में तीन नए ऐड किए गए हैं सो इंडिया इज होम टू 53 टाइगर रिजर्व्स और गुजरात में एक भी टाइगर रिज़र्व नहीं है अगर आप गुजरात लेवल के एग्जाम दे रहे हो सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस इंडिया इज होम टू फिफ्टी थ्री टाइगर रिजर्व स्प्रेड अक्रॉस एटीन स्टेट्स एंड द लास्ट टाइगर सेंसर्स ऑफ ट्वेंटी एटीन शोड राइज इन पॉपुलेशन गुरु घसीदास छत्तीसगढ़ इज द फिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व इन इंडिया इंडिया हैज़ अचीव्ड द रिमार्केबल फीट ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन इन 2018 इटसेल्फ एटीन इट फोर ईयर्स अहेड ऑफ़ द टारगेटेड ईयर 2022 ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन अभी जो हमने बात की ठीक है कि जो रशिया में इस बार समिट होने वाली है तो इन 2010 में हमने ये डिसाइड किया था कि हम 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन को डबल करेंगे हमने चार साल पहले 2018 में ही उस गोल को अचीव कर लिया है नाउ द मॉडल ऑफ सक्सेस ऑफ इंडिया टाइगर गवर्नेंस इज़ नाउ बींग रेप्लीकेटेड फॉर अदर वाइल्ड लाइफ लाइक लायन गेंगेटिक डॉल्फिन्स लेपर्ड स्नो लेपर्ड एंड दी अदर स्मॉल वाइल्ड कैट्स वैल द कंट्री इज ऑन द थ्रेशोलोल्ड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चिता इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज तो चिता को इंट्रोडक्शन uh, के बारे में वी हैव ऑलरेडी सीन की मध्य प्रदेश की पालपुर कोनो नेशनल पार्क में चीता को रिंट्रोड्यूस किया जाएगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया ये रिलेटेड स्टेप्स क्या लिए हैं हमने इसके लिए सो कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था तो वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट दैट फोर्टीन टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन अवार विद इंटरनेशनल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स मतलब वो टाइगर के लिए अच्छा हैबिटेट है और उनके कंजर्वेशन के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में सारे जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं तो so, वो एक्रेडिशन मिला हुआ है फोर्टीन टाइगर रिजर्व को एंड एफर्ट्स आर ऑन दी ब्रिंग इन मोर टाइगर रिजर्व अंडर सी ए टी एस एक्रेडिशन इट्स अ एजेंसी प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया है सो इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री इट प्रोवाइड्स हेवंस फॉर टाइगर्स इन द कंट्रीज नेशनल पार्कस budgetary allocation सो so the budgetary एलोकेशन फॉर टाइगर conservation has फ्रॉम from 185 crore in इन टू थाउजेंड फोर्टीन टू थ्री हंड्रेड करोर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू दो इस बार के बजट में टाइगर कंजर्वेशन के लिए तीन सौ करोड़ जितनी बड़ी राशि दी गई हैल्पिंग फ्रोट लाइन स्टाफ सो द फ्रोंटलाइन स्टाफ विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ टाइगर कन्जर्वेशन टू ईच कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्पररी वर्कर अंडर ई श्रम रिसेंट इनिशियेटिव ऑफ़ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रुपीज फाइव लैक हेल्थ कवर अंडर द आयुष्मान योजना ताकि जो कंजर्वेशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से अच्छा हेल्थ कवर और आरोग्य की सुविधाएँ उनको मिल पाए सो दिस इज बेसिकली द चार्टिच रिप्रेजेंट द टाइगर रिजर्व इन इंडिया तो लेटेस्ट जो एडिशन है दैट इज गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ 53 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन टोटल ओके तो एक बार डीपली इस मैप को आपको एनालाइज करना है एंड यू कैन मेक नोट्स अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टॉपिक अगेन स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो हमने जब पिछले लेक्चर में इसरो के नए चेयरमैन के बारे में पढ़ा था तो हम मैंने आपको आइडिया दिया था दैट इसरो इज नाउ इन द प्रोसेस टू डेवलप स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल वी ऑलरेडी हैव जी एस एल वी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस, पोलर सेटेलाइट्स के लिए हमारे पास पी एस एल वी है नाउ वी आर इन प्रोसेस कि हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए सो रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो Chairman has mentioned the launch of an SSLV D1 micro set in, in April 2022. The SSLV aims to cater to the market for the launch of small satellites into Earth's lower orbit that has emerged in recent years to cater to the needs of the developing countries, universities for small satellites, and private corporations. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे टेली सैटेलाइट वेदर सैटेलाइट्स भेजने होते हैं तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऐसे कंट्रीज़ को मदद करेगा साथ में इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी को तो आगे बढ़ाएगा ही सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट व्हीकल वेइंग ओनली वन वन ज़ीरो टन इट विल टेक ओनली सेवेंटी टू आवर्स टू इंटीग्रेट अनलाइक द सेवेंटी डेज टेकन नाउ फॉर अ लॉन्च व्हीकल इट कैन कैरी सेटेलाइट वेइंग अप टू 500 केजी के टू अ लोअर्थ ऑर्बिट वाइल द ट्राइड एंड टेस्टेड पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैन लॉन्च सेटेलाइट वेइंग इन द रेंज ऑफ हंड्रेड के तो 100 के so, से कम के जो सैटेलाइट होंगे तो 500 सौ के तक के जो सैटेलाइट होंगे उनको एस से लॉन्च करने का इसरो का फ्यूचर में प्लान है SSLV is a three stage all solid vehicle and has a capability to launch up to 500 kg satellite mass into 500 km lower earth orbit and 300 kg to sun synchronous orbit. It is perfectly suited for launching multiple microsatellites at a time and supports multiple orbital drop offs. ठीक है तो वो पेलोड्स को अलग अलग लेवल पे जाके भी रिलीज कर सकता है द की फीचर्स ऑफ एस एस एल वी आर लो कॉस्ट विथ लो टर्न अराउंड टाइम फ्लैक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सेटेलाइट लॉन्च ऑन डिमांड फिजिबिलिटी मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट एट्सर उसके बहुत सारे फायदे हैं बिकॉज उसका वेट कम है और उसका जो वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड द गवर्नमेंट हैज़ सेंक्शन द टोटल ऑफ रुपीज वन सिक्सटी नाइन करोर फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट including the development and qualification of the vehicle system and the flight demonstration through three development flights that is sslv d1 d2 and d3 isro's new chairman dr somnath is credited with designing and developing the sslv during his tenure as director of the vikram sarabhai space center in the thiruvananthapuram since 2018 The maiden flight of the SSLV was scheduled to launch in July 2019, but that has been uh, since been delayed due to setbacks from COVID-19 and other issues. तो उसके पहले कुछ technological खामी की वजह से उसको delay किया गया और 2020-21 तो बुरा corona के logistic issues की वजह से चला गया जिसकी वजह से उसका जो maiden flight था मतलब जो पहला testing flight था उसको delay किया गया है. एस एस एल वी का सिग्निफिकेंस क्या होगा सो द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एस एस एल वी आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन द स्पेस सेक्टर एंड द प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज़ की एम ऑफ द स्पेस मिनिस्ट्री तो स्पेस मिनिस्ट्री देखिए सिर्फ ये नहीं चाहती कि इसरो को गवर्नमेंट से लेकर पैसा बस फंड किया जाए इसरो इनोवेशन करे अपना और उन इनोवेशंस को Uh, ज़रूरतमंद कंट्रीज़ को बेचा जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बेचा जाए ताकि उससे इंडिया को रेवेन्यू जनरेट हो और वही पैसा स्पेस प्रोग्राम्स में लगाया जाए तो ये एम के साथ एस एस एल वी को भी लॉन्च किया जा रहा है दैट द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द एस एस एल वी आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन द स्पेस सेक्टर एंड प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज अ की एम टू दी ऑफ़ द स्पेस मिनिस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री हैज अ कॉन्सोर्शियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पी एस एल वी एंड शुड कम टूगैदर टू प्रोड्यूस दस एल वी एज वेल वंस इट इज टेस्टेड तो एक बार अगर सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाता है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी साथ में आकर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए One of the mandates of the newly created ISRO commercial arm, that is NSIL New Space India Limited, is to mass produce and manufacture the SSLV and the more powerful PSLV in partnership with the private sector in India through technology transfers. It aims to research and development carried out by ISRO over the years for commercial purposes through Indian industry partners.

ओके दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो इसके फायदे क्या होंगे सेलियंट फीचर्स दैट इज़ लॉन्च ऑन डिमांड तुरंत उसको रेडी कर दिया जाएगा विद इन सेवेंटी टू आवर्स जबकि जीएसएलवी पीएसएलवी को काफ़ी पहले से असम्बल uh, करना स्टार्ट करना पड़ता है देन लोअर पर के जी लॉन्च कॉस्ट रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज प्रोडक्शन रेट फॉर फ्रॉम इंडस्ट्रीज मल्टीपल सेटेलाइट माउंटिंग ऑप्शन फॉर नैनो माइक्रो एंड स्मॉल सेटेलाइट्स तो एक साथ एन नंबर ऑफ सेटेलाइट्स को आप इसके थ्रू लॉन्च कर सकते हो जिससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या होगी कम होगी ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस एस एल वी एंड टेस्टिंग फ्लाइट इज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एन इंटरनेशनल इंडेक्स कॉल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्वेंटी तो देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कंट्रीज़ को उनके यहाँ पे कितना करप्शन है पब्लिक uh, लेवल पे उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा सो रिसेंटली द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 वाज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ओवरऑल दी सीपीआई शोज दैट कंट्रोल ऑफ करप्शन हैज स्टेग्नेटेड और वर्सेंड इन 86 परसेंट ऑफ द कंट्रीज ओवर द लास्ट डेकेट तो करप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है ये इंडेक्स इतना शो कर रहा है इस इंडेक्स की फाइंडिंग हमें ये बता रही है ट्रांसपेरेंस इंटरनेशनल जो ये एजेंसी है जो ये पब्लिश कर दी है वो क्या है कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ सो इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1993 एंड इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ बर्लिन जर्मनी इट इज़ नॉन प्रॉफिट पर्पज इज़ टू टेक एक्शन टू कॉम्बेट ग्लोबल करप्शन

इट relies ऑन 13 इंडिपेंडेंट डाटा sources एंड uses a अ स्केल ऑफ़ to 100 वेर 0 जीरो इज हाईली करप्ट एंड हंड्रेड इज़ वेरी क्लीन तो जिस कंट्री का रैंक हंड्रेड से नज़दीक होगा वहाँ पर करप्शन का रेट जो है देट इट इज मिनिमल मोर देन टू थर्ड ऑफ द कंट्रीज़ स्कोर बिलो फिफ्टी एंड द एवरेज ग्लोबल स्कोर रिमेन्स फोर्टी थ्री सिंस ट्वेंटी ट्वेल्व फिफ्टीन कंट्रीज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव दियर स्कोरस बट इन द सेम पीरियड ट्वेंटी थ्री कंट्रीज़ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन तो जो पैटर्न है कुछ कंट्रीज़ का वो सिमिलर है कि अगर वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए कोई भी बदलाव आ जाए करप्शन इज पार्ट ऑफ देर डे टू डे लाइफ टॉप परफॉर्मर कौन है सो दिस ईर द टॉप कंट्रीज़ आर डेनमार्क फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ईच विथ स्कोर ऑफ़ एटी एट नॉर्वे इज ऑन एट्टी फाइव सिंगापोर का स्कोर है एट्टी फाइव स्वीडन का स्कोर भी है एट्टी फाइव स्विट्जरलैंड एट्टी फोर द नदरलैंड एट्टी टू लग्जम्बर्ग का स्कोर है एट्टी वन एंड जर्मनी का स्कोर है एटी और ये आपके हो गए टॉप टेन बॉटम परफॉर्मर्स कौन है सो साउथ सूडान सबसे नीचे है जिसका स्कोर है ओनली एलेवन देन सीरिया देन सोमालिया रिमेन एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स कंट्रीज़ एक्सपीरियंसिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और ऑथोरिटेरियनिज़म टेंड टू अर्न द लोएस्ट स्कोर्स मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी को छोड़कर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उन कंट्रीज़ में भी करप्शन बढ़ता हुआ दिखा है सो इंक्लूडिंग वेनेजुएला विथ स्कोर ऑफ फोर्टीन अफगानिस्तान नॉर्थ कोरिया येमेन लीबिया तुर्कमेनिस्तान ये सारे जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हमें करप्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है सो इंडिया रेंकड एटी फाइव अमोंग वन एटी कंट्रीज इन द करंट इंडेक्स एटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी में और एटी थे ट्वेंटी नाइनटीन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गेव इंडिया सी पी आई स्कोर ऑफ़ फोर्टी सो सी वी आर बिलो द एवरेज स्कोर जो फोर्टी थ्री एवरेज स्कोर है उससे भी हम नीचे हैं एक्सेप्ट भूटान ऑल ऑफ इंडियाज नेबर्स आर रैंक्ड बिलो इट पाकिस्तान ड्रॉप्ड सिक्सटीन स्पॉट इन द इंडेक्स एंड वॉज तो पाकिस्तान हमसे काफ़ी पीछे है द कंट्रीज स्कोर हैज रिमेंड स्ट्रेगनेंट ओवर द पास्ट डेकेड सम ऑफ द मिकैनिजम दैट कुड हेल्प रेन इन करप्शन आर वीकनिंग देर आर कंसर्न ओवर द कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्टेटस एज फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेज डी के एनी वन दैट स्पीक्स अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैज़ बीन टारगेटेड विद सिक्योरिटी डिफेमेशन सेडिशन हेट स्पीच एंड कंटेम्प्टार्जेस एंड विथ रेगुलेशन ऑन फॉरन फंडिंग तो ये जो डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है उसका सीधा असर हमारे करप्शन परसेप्शन पर भी पड़ा है फॉल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दी major part of the globe. so from the repression of opposition supporters in belarus to the closing media outlets and civil society organizations in nicaragua, the deadly violence against protesters in sudan and the killing of human rights defenders in philippines, human rights and democracy are under threat around the world. Jo, uh, dictatorship, hai, ya authority, uh, वाला जो रजीम है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है इंक्रीजिंगली राइट्स एंड चेक्स एंड बैलेंसिस आर बींग अंडर माइंड नॉट ओनली इन कंट्रीज विद सिस्टम सिस्टमिक करप्शन एंड वीक इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो अमोंग एस्टाब्लिस्ड डेमोक्रेसीज सिंस ट्वेंटी ट्वेल्व नाइन्टी परसेंट ऑफ कंट्रीज हैव स्टेग्नेटेड और डिक्लाइंड इन देयर सिविल लिबर्टीज स्कोर ऑन द डेमोक्रेसी इंडेक्स द द्लोब ग्लोबल कोविड नाइन्टीन पेंडेमिकज़ ऑल्सो बिन यूज इन मैनी कंट्रीज एज एन एक्सक्यूज टू करटेल बेसिक फ्रीडम्स एंड साइड स्टेप इम्पोर्टेंट चेकस एंड बैलेंसेज एंड डिस्पाइट द इंक्रीजिंग इंटरनेशनल मोमेंटम टू एंड द अब्यूज ऑफ एनोनीमस शेल कंपनीज मैनी हाई स्कोरिंग कंट्रीज विथ रिलेटिवली क्लीन पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू टू अनेबल ट्रांजेशनल करप्शन तो जो क्लीन कंट्रीज दिख रहे हैं वहाँ पे भी जो डिजिटल करप्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है वाइट कॉलर करप्शन जिसे हम कहते हैं द करंट वे वो ऑथोरिटेरियनिज्म इज नॉट ड्रिवन बाई कूप्स और वायलेंस बट बाई ग्रेजुअल एफर्ट्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी दिस यूजली बिगेन्स अटैक ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स एफर्ट्स टू अंडरमाइन ऑटोनॉमी ऑफ ओवरसाइट एंड इलेक्शन बॉडीज एंड कंट्रोल टू मीडिया सच अटैक्स अलाउ रेजीम्स टू इवेड अकाउंटेबिलिटी एंड क्रिटिसिज्म अलाउिंग करप्शन टू फ्लरिश तो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में करप्शन का जो बढ़ता ट्रेंड है वो इसी वजह से देखा गया है इंडिया में करप्शन को कम करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सो so, वी हैव इंडियन पिनल कोड जिसमें करप्शन को लेकर काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं इन फ्रॉम 1860 सिक्सटी देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड एंड टू द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट टू थाउजेंड टेन द कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन दी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ट्वेंटी थर्टीन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि है करप्शन के लिए तो ये सारे हमने लिए इंडिया इन ग्रेजुअली ये ट्राई कर रहा है चीज़ों को डिजिटाइज करके कि जो मिडल मैन के थ्रू जो गवर्नमेंट में करप्शन होता था उसको धीरे धीरे कम किया जाए सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच टॉपिक प्लीज़ डू लेटर्स नो इन केस ऑफ एनी डाउट टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक यू